हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्ले क्राफ्ट कॉर्नर। आई एम रश्मि। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई आर्ट या क्राफ्ट वर्क करते हैं तो कुछ बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं कि इसे कैसे करना है, या हमें उसका आसान तरीका पता नहीं होता है। तो आइए, इस वीडियो में हम आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिसको मैं खुद भी यूज करती हूँ अपने आर्टिकल बनाने में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि कोन कैसे बनाना चाहिए, तो आइए मैं आज आपको कोन बनाना बताती हूँ कि कोन आप किस तरह से बना सकते हैं। कोन बनाने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक सीट ले सकते हैं, जैसे ये साड़ी या शर्ट का पैकेट जो आता है उसको भी आप ले सकते हैं। आप इस तरह का पेपर ले सकते हैं, ये आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएगा या ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप इस तरह का रैपिंग पेपर ले सकते हैं, या ये सब कुछ भी ना हो तो दूध का पैकेट तो हर घर में आता है, आप उस पैकेट को साफ करके ड्राई करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये प्लास्टिक का एक टुकड़ा मेरे हाथ में है। सबसे पहले हम अपना फोर फिंगर पेपर के नीचे डालेंगे, पॉलीथिन के नीचे डालेंगे, और अंगूठे को यहाँ उसके ऊपर रखेंगे, और दूसरे हाथ का फोर फिंगर हम ऊपर रखेंगे और थंब को नीचे रखेंगे। जो हमने इधर किया उसके जस्ट अपोजिट हम इधर करेंगे, और फिर इसको ऐसे। एक बार फिर देखिए, ऐसे करके यहाँ पे मैंने इसको दबा दिया ताकि ये खुले नहीं। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको ऐसे, और यहाँ से नीचे से रोल करना शुरू करेंगे। हमेशा अंगूठे को यहाँ पे रखेंगे, इसको रोल करते जाएंगे, अंगूठे को, इस हाथ के अंगूठे को यहाँ पे अंदर रखेंगे, इसको संभालते हुए यहाँ पे इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। थोड़ा सा नीचे से छोड़ेंगे और इसको ऐसे जहां जहां आपको लगता है कि ये खुल सकता है वहां पे टेप लगा देंगे। बहुत ज्यादा टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारा कोन रेडी हो गया। अब इसको बंद किस तरह से करते हैं उसके भी दो तीन तरीके हैं, तो मैं वो दोनों ही तरीका आपको अभी बताऊंगी। एक बार मैं दूसरे पेपर से भी आपको कोन बना के दिखा देती हूँ, कपड़ों के साथ या किसी सामान के साथ जो अक्सर हमारे घरों में आता है, मैंने वो ले लिया है। तो हमने ये एक सीट ले लिया है, सेम उसी तरीके से चार उंगली नीचे रखेंगे सेंटर में प्लास्टिक के, और एक अंगूठा ऊपर रखेंगे, और यहाँ इस तरफ से चार उंगली ऊपर और अंगूठा नीचे, फिर इसको सेंटर से फोल्ड करना ऐसे शुरू करेंगे। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे इस तरह से रोल करते जाइए। इसको टेप लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा टेप और ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा कोन रेडी है। तो आइए इस कोन में मटेरियल भरते हैं और इसको बंद करना सीखते हैं कि इसे किस तरह से बंद किया जाता है। मैं आज दो तरीके बताऊंगी, साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कोन में अगर मटेरियल बच जाता है तो उसे आप किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो ड्राई ना हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं कोन का यूज किस तरह से करते हैं वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये मेरे पास मार्बल पाउडर का घोल है,
जब भी इसको हटाना हो तो इस तरह से आप घुमा के इसे हटा सकते हैं। अब हम टेप लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। मैंने यहाँ पे टेप लगाया, फिर इस कॉर्नर को फोल्ड किया, फिर इस कॉर्नर को फोल्ड किया और फिर इसको फोल्ड करती जाऊंगी। सबके अपने अपने तरीके होते हैं फोल्ड करने के, मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ। इस पे 2-3 बार टेप अच्छे से लगा। अब ये पूरी तरह से बनके रेडी हो गया है। अब जब हम इस पे काम करेंगे, इस कोन से काम करेंगे तो यहाँ पे कट करेंगे। अब ये बिल्कुल ही बंद है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। इसको यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे घुमाते जाएंगे और फिर रबर लगा देंगे। थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसमें भर दिया है, इससे भी थोड़ा कम भर के भी काम अच्छे से हो सकता है। तो ये 2 तरह के कोन हमने रेडी कर लिए हैं। एक में मैंने रबर लगाया है और एक को मैंने टेप से बंद किया है। अब आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको चलाने के लिए पहले मुझे यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा। इसी तरह से ये भी काम करता है। इसको मैं कट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। अब मैं इसे अभी मुझे काम नहीं करना है तो इसको ऐसे करके मैं इसे टेप लगा के छोड़ दूंगी और जब भी काम करना होगा इसको टेप हटा के फिर से मैं काम कर सकती हूँ, या फिर आप इसको एयर टाइट डब्बे में भी रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तरीका पसंद आया हो, कोन बनाना आपने सीख लिया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।